हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अदर न्यू ब्लॉग। राम राम जी, स्वागत है आप सबका अपने एक और नए ब्लॉग में। डिस्कस कर रहे हैं हमारी गौ माता के बारे में, मम्मी जी और भाभी जी। दूध तो निकाल लिया है, एकदम पता नहीं क्या हो गया, मेरी तबीयत में होगी दिक्कत। नाउ आई एम गोइंग टू अस्पताल विद माय फादर साहब। गाइस, घर पे आ चुके हैं। अब मेरे साथ क्या हो रहा है, सांस ले नहीं, मैं तो सांस ले ली तो थोड़ी सी भी सांस ज्यादा हो गई, थोड़ी थोड़ी ले जाओ यार, तो सांस थोड़ी ज्यादा नुकू नहीं, थोड़ी लंबी सांस ले लिया तभी अचानक से अंदर यहाँ से छाती दुख है यार, चेस्ट और इसके अंदर भी दिल 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 काजा दिल दुख है यार, मतलब ऐसा लगा है अंदर से दुख है कुछ। तो भाई तगड़ा हो रहा है फिलहाल, कुछ उतना तगड़ा दुख है, सुत्ता अपना मुँह बहुत ज़्यादा तेज दुख है। तो अभी पापा जी आ रहे बाइक लेके, खेत की साइड गए थे पापा, फिर जाऊँगा मेडिकल पे। बहुत दुख है यार तेज, बिल्कुल मैं बताऊँ भयंकर दुख है। एक के दिन हो यार साहब ने कुछ को दुख था पूरा दिन, ये धार काटा दिन जब दूध निकाला थे तो बैठे बैठे एक के दिन दुखने लग गया, दूध निकाल के पूरा फिर सांस लेऊं, दुख है दुख है। थोड़ी स्ट्रेचिंग करूं नहीं, थोड़ा सा ऐसे वार्म अप तो थोड़ी ज़्यादा होती, फिर इतना एकदम तेज दर्द हो यार इस साइड, तकड़ा सीन हो रहा है, पता नहीं किए तो हो गया के नहीं, जाएंगे पता चलेगा। तो मैं आपको कह रहा था मेरा दिल दुख रहा है, बट ऐसी बात नहीं है, मेरे को पता नहीं था वो इस साइड से, बिल्कुल साइड से दुख है नहीं, इस साइड था चेस्ट पेन ब्रो। ये दवाई लेके आऊं, बोला ये ऐसे हो जाता नॉर्मल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओ डॉक्टर जी बोले तू आम तू सोया करो, आंधी ना उतर के वो है आंधी ना पड़ जाएगा तू बैठ का मुद्दा, मैं सोया करूं मुद्दा हो गया इसी कारण में ऐसा होता है। चल हो जाएंगे ठीक। ओके यार दुख है बहुत तेज यार चेस्ट, ये छाती बहुत तेज दुख है, सांस ले मुझे थोड़ा सांस ले दे। तो अभी फिलहाल होने वाला बहुत ज्यादा तगड़ा सीन, वी हैव टू चेक समथिंग क्रेजी थिंग्स, क्रेजी थिंग्स पता क्या है, मम्मी ने ऐसे कहा अगर घर में नेगेटिविटी है, कल तुम्हारे दोस्त नकुल को आया था बहुत ज्यादा तगड़ा सपना, ये डर गया तो इसलिए मम्मी ने कहा है कि भाई चेक करनी है, इसका कहना मतलब है कि मैं क्लास हूं नहीं जब घर में, मैं भाई क्या सोचा था कल्ला इस कमरा में, मेरा तगड़ा भूतड़ा सपना मैं आपको बता नहीं सकता वो सपना, चलो बता दूंगा बाद में पहले। और मम्मी ने बोला नहीं कौन सी वीडियो में देखी थी, अगर हम नींबू को काट देते हैं उसको पानी में डाल देते हैं, नहीं है काटे काटे अगर ये ओके है डूब जाएगा, डूबेगा जब डूब गया तो नेगेटिविटी है, अगर जब नहीं डूबे तो कौन है, तो डूब गया नींबू वेट तो डूबेगा वहां सुखाओ। तो गाइस अगर सच्ची में है ना तो भाई आराम तो आराम तो मिर्च नींबू मैं नहीं रहा आराम, ये तो गया हमारे घर में नेगेटिव तो छाया है क्यों नेगेटिविटी है भाई, भूत हो मेरा तो कौन पटा पूरा तो आओ ऊपर से अच्छा गिर दे मेरा पड़ जे है ऊपर, मैंने पहले डाल दिया था उसमें तो वो ऊपर तरी गया, चलो नींबू खराब पा हुआ है नींबू खराब पा हुआ, ये ताजा नींबू है भूत है हमारे घर में, भाई अंदर से खोखले पाएगा गाइस, हाय मैं सच्ची रत्न करेडा पहला खा मेरी सुमा तेरी सुन ले है। यार वीडियो देख के करा था मैंने, फिर उसमें मैंने करा नहीं नींबू बैठा को नहीं परे था, किसा नींबू था वो सही था यार नींबू ही सा आया करा भूत हो गया मैं, मां सच्ची बता क्यों डरा मैंने तेरी सुन ले मैं का झूठ किशोर का करा ट्राई कर क्या ये चीज है इधर के देख क्या हूं भाई देख रात को मैं ये मेरे बैठ गया टट, अगर आपने वीडियो देखी ना आप अपने घर पे ट्राई करो भाई नींबू डबो ठीक है एंड ड्यू डूब गया नहीं वैसे तो डूबेगा वेट है यार तो है वेट ज्यादा हो फिर भी लेट्स ट्राई मम्मी जी का वो करेंगे चेक आप करना ये ट्राई प्लीज यार। तो गाइस आप सब ये ट्राई करना और कमेंट करके मेरे को बताना है, मम्मी ही गोली तो ले ली है बोल दे नहीं दुख है तेज
सपना मैं रहने देता हूं ना ये मैं तो अपना मंदिर रहा नींबू में डूब जाए। बाकी आप ट्राई करके बताना दोस्तों, कमेंट पे पकाना इस चीज का, ठीक है? हम भी चेक करते हैं, मम्मी जी प्रैंक बुका रही है। बाकी अमित ने मेरी झूठी कदम खा के मैंने मरने का प्लान तो नहीं करा था, फिर नींबू और कह रहा था नींबू में गड़बड़ वो। बाकी वेट हो, डूबड़े तो है नहीं। मम्मी चल आराम तो बोलिए, पनीर की सब्जी इतना आराम से बोलना, पनीर की सब्जी बिना पनीर के कैसे बनाए? नो कुकरे बोल रहा है ना भाई, मम्मी बनाओ। पनीर की सब्जी बिना पनीर के कैसे बनाए? नो पनीर की सब्जी बिना पनीर के कैसे बनाए? ऐसे टाइम टाइम है रे, चल सुबह टाइम तो बिना हम जिन कर बोला। पनीर की सब्जी बिना पनीर के कैसे बनाए? आराम तो बोले हटके। पनीर की सब्जी बिना पनीर के कैसे बनाए? नो पनीर की सब्जी बिना पनीर के कैसे बनाए? नू पनीर की सब्जी चल तो थोड़ा ढंग कर बोल दी। शुरू का नाम तो बोलो बिना, शुरू में तो गाना पनीर की सब्जी नाम का है, फिर बोलो कैसे बनाए ना। पनीर की सब्जी बिना पनीर कैसे बनाए? देख पनीर की सब्जी, फिर मैं थोड़ा एक्साइटमेंट फिर तू बोल लगी सारी की को पनीर की सब्जी पनीर बिना पनीर के कैसे बनाए? पनीर की सब्जी फिर तो एकदम था बिना पनीर के कैसे बनाए? अपने बाद में ऊपरन कच्चे कर लेनी पिटेगी, कच्चे तो आई बनते खाओगे। पनीर की सब्जी बिना पनीर के कैसे बनाए? नु करना दे। पनीर की सब्जी बिना पनीर के कैसे बनाए? ओ नहीं बना बोल दिया, नु करना है, नु कर देख, नु भी तो कर देख। नहीं थोड़ी इसके नेट वाले थोड़ी उच्ची बोल। मैंने मेरे पास नहीं बोल दिया, मैंने एक भी ना पे कर लूँगा। चले तो मेरे घूमने मैं बार तो कर दे पनीर की सब्जी बिना पनीर कैसे बनाए? पनीर की सब्जी बिना पनीर कैसे बनाए? पनीर की सब्जी थोड़ी देर डटिए चल। पनीर की सब्जी बिना पनीर कैसे बनाए? ऐड के देख लूं थोड़ा इतना देख, मैं वीडियो बनाऊं, मेरी माँ वीडियो बनावे, टोटी वीडियो बनावे, मेरे पापा वीडियो बना, सारा खानदान वीडियो बना, इसमें एक्टिंग करने को ध्यान दी। नहीं मेरी एक ही कॉलेज वीडियो ठीक है। पनीर की सब्जी बिना पनीर कैसे बनाए? क्या कर दे पनीर की सब्जी? हाँ ठीक है, अच्छा मैं आराम से करिए जाओ। एक दो मिनट ठीक, और मैं कॉलेज स्टार्ट करिए, मेरे भी एक्सप्रेशन आते होगा तो होगा, नहीं फिर मम्मी आओगी देखेंगे। आराम कर रही पहले आना चाहिए ढंग से, चल दाली मिनट चल। पनीर की सब्जी बिना पनीर कैसे बनाए? गैप कौन दिया चल। पनीर की सब्जी मैं चाहूंगी भी कौन बनता है इस पर ना, तो यार खुद ही ले जाते हो मैं तो बिजली बैठी रहा ठीक है, बोल रहा है क्या आंदा वो भी कर लेगा 10 से 20 बार को। पनीर की सब्जी बिना पनीर कैसे बनाए? इसका क्या देखी सही रही वीडियो थी भैया, चल पनीर की सब्जी चला दी करे रखो आ चुके हैं अभी खेत में, यहाँ पे अपना आज पानी लगाने की बारी है, बट आज थोड़ी देरी रहेंगे, बस नक्का नक्का लगाना है, एक पक्का करना है, फिर पानी अपने आप लगा रहेगा। तो दोस्तों खेत में पानी लगाने की बारी, आज पानी पानी
ले सो दोस्तों घर पे आ चुके हैं और अब तो रास्ते में अपने खेत में यार झोटा बढ़ रहा था यार, तो वो निकाला और अब आगे घर पे खड़ा खाके आधा घंटा बाद वापिस जाएंगे एक नाका निकाल के फिर पानी अपने खेत में नाका निकाल के वापिस जाएंगे और फिर थोड़ा बहुत 10-20 मिनट का काम वापिस करके वापिस आ जाएंगे घर पे। 10 मिनट का होगा, ज्यादा आधा घंटा का होगा, ठीक है, तो अभी खाना खाएंगे। और जब मैं जोटा निकालूंगा दोस्तों मैं बात पीछे पीछे पैंट गिल्ली होगी आधी आधी। सब्जी बना रखी है आज, घिया 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 की सब्जी, लौकी लौकी कह देते हैं। आ दोस्तों खाना खा लो। गाइस खाना पीना कर लिया अपना मस्त और वापिस जा रहे हैं खेत में। अब मैंने पैंट तो निकाल दी, लवर पहन ली, थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है यहाँ पे छत्ती में। रात का टाइम है, मच्छरों के बीच और पानी के बीच और अपने खेत में फार्मर लाइफ। दिस इज फार्मर लाइफ गाइस। आपको अगर आप फार्मर हो तो आप रिलेट कर सकते हो, रात के टाइम जब पानी लगाते हो तो सोच कर तो ये है थे 20-30 मिनट का काम है, बट जिस हिसाब से ये सब कुछ टूट रहा है यहाँ पे, पानी ज़्यादा हो गया है, मेरे को लगता है भाई घंटा भी लग सकता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमें तो अपना काम करना है। ये टूटा मैं तो संभालू दोस्तों को, ये टूट नहीं से, ठीक है, अपना पानी उस साइड लगने लग रहा खेत में। बाकी सोच के तो यही आए थे क्योंकि यार कम पानी आने वाला था बट फुल हो गया पानी भी, तो चलो कोई नहीं, आज पूरी रात जब तक पानी चल रहा है यहीं पर है खेत में यार, वो तो कुछ समस्या होनी, मच्छर बहुत है, एक यह बहुत तगड़ी समस्या है, और तो कोई दिक्कत हो नहीं, मच्छर बहुत ज़्यादा दोस्तों, मच्छर काट है इस साइड इस साइड सारा, कपड़े पैर रखे नहीं, कपड़े के अंदर भी काट है, देख लो इतने तगड़े मच्छर है। सो गाइस घर पे आ चुका हूँ एंड टाइम देखो आप, टाइम 1:07 होगी और बहुत ज्यादा तेज नींद आवे है, व्लॉग एडिट करना रहता है, बहुत ज्यादा तेज नींद आवे है। चलो फिर गुड नाइट, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना दोस्तों और कमेंट करके पक्का बताना कैसा लगा, ठीक है। सो बाय बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में, आज के इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।